जैसा कि आप सभी को पता है, 2 साल से कोरोना चल रहा है। कोरोना काल में सभी के स्कूल और विश्वविद्यालय, ऑफिस सब कुछ बंद था, लेकिन जैसे जैसे केसेस खत्म होते जा रहे हैं, वैसे वैसे धीरे धीरे सारी चीजें खोली जा रही है। जहां पर विश्वविद्यालय भी खुल चुके हैं, लेकिन एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो अभी तक खोली नहीं गई, वो और कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, वो है जामिया यूनिवर्सिटी। जामिया यूनिवर्सिटी को अभी तक खोला नहीं गया, अभी तक वो ओपन नहीं हुए, बच्चों की क्लासेस अभी तक ऑनलाइन चल रही है। लेकिन ऐसा क्यों? लेकिन इसी को लेकर बच्चों का विरोध प्रदर्शन, छात्रों का लगातार बढ़ता जा रहा है। वो धरने पर बैठे हैं कि हमारे कॉलेज को ओपन कर दिया जाए, लेकिन लगातार वो इस विरोध को करते जा रहे हैं, जहां पर मांग भी कर दी गई है, कॉलेज में नोटिस भी डाल दिया, लेटर भी दे दिया गया है, मेल भी डाल दी गई है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिली है कि जामिया कॉलेज कब तक खोला जाएगा। जामिया के स्टूडेंट काफी ज्यादा परेशान है कि ऑनलाइन क्लासेस से हमारी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं इंटरनेट का प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें हैं जो हम समझ नहीं पाते। लेकिन आपको एक बात बताते हैं, जामिया कॉलेज 2020 से जब कोरोना काल चला था तब से बंद है, लेकिन 2020 का मुद्दा आपको याद होगा, दिल्ली का सीए और एनआरसी को लेकर, जहां पर जामिया के छात्रों का उस विरोध प्रदर्शन में सीए और एनआरसी को लेकर लगातार उसमें बहुत ज्यादा बड़ा हाथ था। लेकिन जब ऐसी खबरें सामने आ रहे हैं कि जामिया कॉलेज को जानबूझकर खोला नहीं जा रहा है, उनकी फिजिकल क्लासेस जानबूझकर नहीं हो रही है, क्योंकि रीजन है कहीं ना कहीं अगर वो बच्चों के कॉलेज खोल दिए जाएंगे तो सीए और एनआरसी को लेकर वो दोबारा से विरोध प्रदर्शन करेंगे, धरने पर बैठेंगे, इसी को लेकर कहीं ना कहीं सरकार डरी हुई है। ऐसी खबरें कहीं ना कहीं सामने आ रही हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारे जामिया के स्टूडेंट्स का भी बयान है कि जानबूझकर हमारे कॉलेज को ना खोला जा रहा है और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश है। तो आपको क्या लगता है कि क्या कोरोना काल को देखते हुए जामिया यूनिवर्सिटी नहीं ओपन की जा रही है, या सीए और एनआरसी को लेकर कॉलेज रीओपन नहीं हो रहे हैं? तो अपनी राय जरूर साझा करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहें ऑथम न्यूज के साथ। धन्यवाद।